फ्रेंड्स वेलकम अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 8th फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। और ये कौन सा चैप्टर है हमारा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे पहले हमने डेरिवेटिव वाला 7th चैप्टर कंप्लीट किया, उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किसी भी एक क्वांटिटी, चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनोदर क्वांटिटी, यानी कि एक क्वांटिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू अनोदर क्वांटिटी, ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि पॉपुलेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन चेंज होती जाती है, जैसे कंपनी की कमाई है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर भी, ठीक है, तो वो वहां पे वो क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनोदर क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है वहां पे उस केस के अंदर। तो इसके अंदर हम यूज करेंगे एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फिर हम इसका यूज करेंगे मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि इसका क्या मतलब होता है? टू चेक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस को हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर प्रूव करना है या चेक करना है कि ये फंक्शंस हमारा इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग, देन उस केस में हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव का यूज करते हैं। फिर आता है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कोई भी फंक्शंस हमें देके ये पूछ लेगा कि यहाँ पे इसकी इस फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो। टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शंस वी यूज डिफरेंसेस। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। फिर हमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछने के बाद ये पूछेगा कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो वहाँ भी हम क्या यूज करते हैं? डेरिवेटिव, यानी कि वो भी क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा इस वीडियो का जो मकसद है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी 8.1 फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक, वो किसके ऊपर बेस है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के ऊपर बेस है। बहुत ही इजी है स्टूडेंट, कुछ भी इसके अंदर हार्ड नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये बिल्कुल। तो मान लेते हैं कि हम सबसे पहले कि क्या करते हैं, ये कोई भी एक सर्कल, सर्कल का ये रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ सर्कल, रेडियस के ऊपर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस के ऊपर। तो एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, यानी कि जो ए है वो आर का फंक्शन ले रखा है हमने, एफ ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा एरिया भी इंक्रीज होगा, अगर रेडियस को डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो एरिया भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? dA by d। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या कैसे डिनोट करेंगे हम? dA by dr। और एरिया क्या था हमारे पास सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो dA by dr निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, ठीक है। फिर देखते हैं कि जैसे कोई एक कॉमन फंक्शन होगा कि y कोई भी कॉमन फंक्शन से वो डिपेंड करता है x के ऊपर, मींस y फंक्शन दे रखा है हमें x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy by dx। यानी कि y कोई भी फंक्शन था x का, तो वहां से अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? dy by dx, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब की साइड तो सारी इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो वहाँ पे चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। अगर यहाँ पे अगर हम इसकी साइड इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाए, सॉरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी कि साइड मैंने इसकी एक्स ले ली तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड क्या हो जाएगा? dv by dx, क्योंकि हमने तो वॉल्यूम को चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। साइड इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? एक्स क्यूब। तो यहाँ से dv by dx क्या आ जाएगा? 3x2। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड x वो कितना आ गया? 3x2, ठीक है।
फिर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई भी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो उस केस को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, जो हमारा मेन काम है वो यही है, इसी का यूज हम करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज के अंदर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे एरिया आ गया, एफ ऑफ आर था हमारा, यानी कि रेडियस इंक्रीज हो रहा था तो एरिया भी इंक्रीज हो रहा था, रेडियस डिक्रीज हो रहा था तो एरिया भी हमारा डिक्रीज हो रहा था। तो फिर हमने देखा कि आर जो है वो हमारा टी का फंक्शन, आर किसका फंक्शन है, टी का। एरिया किसका था, एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता था, रेडियस के ऊपर। तो यहाँ से अगर टाइम इंक्रीज होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगा, लेकिन टाइम हमारा डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, टाइम हमारा बदलता नहीं है, टाइम तो इंक्रीज ही होता रहता है, तो टाइम अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज और ये डिक्रीज, लेकिन टाइम हमेशा बढ़ेगा हमारा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हमें किसी कोई क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, जैसे एरिया डिपेंड करता था रेडियस के ऊपर और रेडियस किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर, तो वहां से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हमें तो क्या चाहिए, dA by dt चाहिए। लेकिन a तो हमारा किसके ऊपर डिपेंड था, रेडियस के ऊपर, तो पहले a का विद रिस्पेक्ट टू r डेरिवेटिव होगा, देन r का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव होगा dr by dt, यानी कि dA by dt आ गया dA by dr into में dr by dt, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 8.1 में करने वाले हैं। ठीक है, आपको 30-40% ये जो हमने बेसिक किया है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक के अंदर जो आपको जो आपसे ये ना हो, बहुत इजी है। दो क्वांटिटी दी मिलेंगी, एक का विद रिस्पेक्ट टू जो भी दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसका उसके सेकंड क्वांटिटी है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करेंगे, इस तरह से, यानी कि इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलो करते हैं 8.1 फर्स्ट क्वेश्चंस। इससे पहले देखो हमें बुक में जो एलिमेंट्स वाली बुक है इसमें नोट के अंदर ऊपर सबसे ऊपर दे रखा है, यहाँ पे वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी का हमें डेरिवेटिव करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे हम, डी एस वाई डी टी। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी। और वी ऊपर क्या था हमारा, वेलोसिटी क्या था, डी एस अपॉन में डी टी, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन है डी वी बाई डी टी क्या आ गया, डी स्क्वायर एस वाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे मार्जिनल कॉस्ट एम सी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट का हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डी सी बाई डी एक्स। फिर आता है मार्जिनल रिवेन्यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको हम किस तरह से, जैसे आर हमने टोटल रिवेन्यू मान लिया यहाँ पे, ऑब्टेंड बाई सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ ए क्वांटिटी, देन डी आर बाई डी एक्स रिप्रेजेंट द मार्जिनल रिवेन्यू, यानी कि डी आर बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, मार्जिनल रिवेन्यू। अब ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद लास्ट में अगर रेडियस 3 है तब भी हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हमें एरिया क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि डीए अपॉन में ये हमारा एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डीए बाई डी आर कितना आ गया, 2 पाई आर। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल आर, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू
रेडियस वेन आर इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि डी ए बाई डी आर कितना आ गया हमारे पास 2 पाई इंटू में रेडियस कितना रखना है 3, यानी कि 6 पाई एरिया यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। इसको ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर। सेकंड देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज होता है। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr, ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, ये 4/3 πr³, और r क्या होता है डायमीटर का, हाँ r क्या होता है डायमीटर, क्योंकि हमें इसका जो रेट ऑफ चेंज निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर निकालना है, तो यहाँ पे d पुट करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम आ गई 4/3 π, यहाँ पे कितना आ जाएगा d³/2³, 8, यानी कि d/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, ठीक है, यानी कि dv/d डायमीटर, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 4/3 π, ये कितना हो जाएगा 3d² / 8, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2 πd², और d यहाँ पे क्या है, d इज डायमीटर ऑफ स्फीयर, यानी कि dv/dd, यानी कि ये d तो डिफरेंशिएशन वाला और ये d डायमीटर वाला है, तो यहाँ से कितना आ गया πd², ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो हमने कंसेप्ट वहां से देखा था, ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट देखा था वो आपको इन दोनों क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था या तो स्फीयर का विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, या निकालना था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। नेक्स्ट करते हैं इसका थर्ड, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, ठीक है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट आर इज द रेडियस ऑफ द बैलून, ये किस शेप का है, विच इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या बैलून कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/3 πr³, हमें क्या निकालना है, इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि dv/dr निकालना, रेट ऑफ यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या हो जाएगी dv/dr, यानी कि dv/dr हमारे पास आ गया यहाँ पे d/dr ऑफ 4/3 πr³, वॉल्यूम ये है हमारी 4/3 π कांस्टेंट है, r³ का क्या हो जाएगा 3r², ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4π r² आ गया dv/dr। फिर लास्ट में हमें रेडियस अगर 7 है तब हमें इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना था, रेट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजिंग किस रेट से इंक्रीजिंग हो रही है वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज 7 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या हो जाएगा dv/dr 4π r² मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7 × 7 × 7, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ पे 616 आ गया इसका वॉल्यूम।
हमें यही तो निकालना था ना, dv अपॉन में dr, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेंटीमीटर, इसकी यानी कि dv अपॉन में dr निकालना था when r इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो फोर्थ, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमें रेट ऑफ चेंज दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल किस तरह से इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो रेडियस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ सर्कल आर सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी की वैल्यू हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमें निकालना क्या है रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा रेडियस, यानी कि डी ए अपॉन में डी आर कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई आर, कितना आ गया 2 पाई आर, और आर यहाँ पे किसका फंक्शन है, आर किसका फंक्शन है डी टी का, आर किसका फंक्शन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें दे रखा है यहाँ पे डी आर बाई डी टी, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू, ये है 3 सेंटीमीटर, क्या है ये 3 सेंटीमीटर, सॉरी डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टी आएगा, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन दे दिया कि डी आर बाई डी टी कितना है 3 सेंटीमीटर, कि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी वैल्यू दे रखी है रेडियस की 3 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी टी निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डी ए बाई डी टी 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 3, यानी कि 6 पाई आर आ गया। अब व्हेन आर इज 10 सेंटीमीटर, आर अगर 10 सेंटीमीटर होगा देन डी ए बाई डी टी कितना आ जाएगा 6 पाई इंटू में 10, यानी कि 60 पाई, ठीक है, कितना आ गया ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में टाइम का क्या होता है सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी हमें साथ में रखनी है, ठीक है, तो कैसे किया इसको हमने, रेडियस ऑफ सर्कल आर था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर बाई डी टी हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ से देखा है डी आर बाई डी टी था, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, हमें अब निकालना था कि एरिया किस तरह से इंक्रीज होगा कि व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका यूज करेंगे हम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, फिर लास्ट में आर अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, और हमें गिवन क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, रेडियस ऑफ सर्कल इज आर एंड आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कैपिटल आर मैंने इसका सर्कमफ्रेंस मान लिया, तो आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और हमें क्या गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी हमें गिवन है कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस वो कितना माना था हमने कैपिटल आर, ठीक है, यानी कि डी आर अपॉन में डी टी निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई, और डी आर का क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी कितना था 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे कितना होगा ये तो पाई 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ठीक है. नेक्स्ट करते हैं इसका सिक्स, द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रहा है विद द रेट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. और हमें इसका सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास है सी, वो क्या होता है 2 पाई आर. हमें गिवन है उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dA/dt हमें गिवन है, dA/dt हमें गिवन है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो इस एरिया का हम dA/dt निकालेंगे यहाँ पे, dA/dt ऑफ ए यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर, सॉरी फाइंड द रेट एट विच द रेडियस इंक्रीजिंग, हमें dR/dt निकालना है यहाँ पे. तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में dR/dt, ये 5 दे रखा है, यहाँ से dR/dt हमारे पास कितना आ गया 5/2 पाई आर. रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग क्या आ गया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dR/dt आ गया 5/2 पाई आर. अब हमें निकालना क्या था, रेट ऑफ चेंज व्हेन द सर्कमफ्रेंस इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि dC/dt निकालना था. ठीक है, और c कितना था हमारा 2 पाई आर, dA/dt ऑफ 2 पाई आर. तो ये हो गया 2 पाई और इंटू में dR/dt. dR/dt की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर से 5/2 पाई आर, ये कैंसल आउट हो गया. तो dC/dt निकालना है व्हेन ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस है वो कितना हो 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 5/10 ये कितना आ गया यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.5 × 2 × dR/dt. सर्कमफ्रेंस अगर 10 सेंटीमीटर हो, सॉरी ठीक है रेडियस नहीं, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 10 सेंटीमीटर होगा, तो ये कंप्लीट 2 पाई आर. तो 5/ में क्या था ये हमारा, ये था ना हमारे पास 5/2 पाई आर था. यानी कि सर्कमफ्रेंस के विद रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 5/ में, ये कितना दे रखा था हमें 10 सेंटीमीटर, वेट, विद रिस्पेक्ट टू सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है. सर्कमफ्रेंस अगर 10 सेंटीमीटर है देन हमें रेट निकालना था वहां पे. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो सर्कमफ्रेंस की ये वाली वैल्यू थी हमें 10 दे रखी है. ठीक है, और ये हमारा कितना आ गया था यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए 5/r, ये हमें 10 दे रखे, तो 10 = 5/r. r कितना आ गया यहाँ पे 0.5. ठीक है, रेट कितना आ गया यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी होगी कि ये किसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव हमें गिवन है और क्या हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सर्कल दे रखा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि dA/dt की वैल्यू हमें गिवन थी. सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में हमें वहां पे रेट ऑफ चेंज निकालना था, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर. तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ये 5 के इक्वल है, तो यहाँ से 2 पाई आर dR/dt 5 आ गया. तो यहाँ से रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया 5/2 पाई आर. अब सर्कमफ्रेंस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो dC/dt क्या हो जाएगा, dA/dt ऑफ 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 2 पाई इंटू में dR/dt वैल्यू पुट की. तो यहाँ से ये हमें सर्कमफ्रेंस अगर 10 सेंटीमीटर है उस केस में हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ चेंज, देन वो कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट करते हैं सेवंथ, द साइड ऑफ ए स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. फाइंड द रेट इंक्रीजिंग ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अगर साइड x है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4x. लेट साइड ऑफ स्क्वेयर इज x सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर उसको हमने p से डिनोट कर दिया, वो 4x. हमें दे रखा है कि साइड ऑफ स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि साइड dx रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड x. ठीक है, dx/dt हमें गिवन है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डीपी अपॉन में डीटी, ठीक है, फोर इंटू में डीएक्सवाई डीटी, और डीएक्सवाई डीटी कितना था 0.2 यानी कि 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो पेरीमीटर है हमारा रेट ऑफ चेंज उसका क्या आ गया 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम dr by dt, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। dr by dt हमें गिवन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे लेट r बी द रेडियस ऑफ द बैलून, देन dr by dt है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, हमें सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो सरफेस एरिया को मैं ऐसे डिनोट करती हूँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है बैलून की, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हमें निकालना है ds by dt, तो 4 पाई इंटू में 2r, और ये क्या हो जाएगा dr by dt, तो यहाँ पे आ गया 8 पाई आर, dr by dt की वैल्यू क्या थी 10, ठीक है, dr by dt कितना था 10। हमें लास्ट में ये भी निकालना है कि अगर रेडियस वहां पे 15 सेंटीमीटर हो तब हमें उसका जो सरफेस एरिया है इंक्रीजिंग वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो यहाँ पे व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर देन ds by dt कितना आ गया यहाँ पे 8 पाई इंटू में 15 इंटू में 10, तो यहाँ से कितना आ गया 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया आ गया व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर इज 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट करते हैं 9th, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, लास्ट में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, और dr by dt हमें गिवन है, लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर सोप, जीरो पॉइंट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमें निकालना है वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ पे, सो बबल वी 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो यहां से अगर हम डीवी बाई डी टी निकाले तो 4 बाई 3 पाई 3 आर स्क्वेयर इंटू में डी आर बाई डी टी, ये कैंसिल आउट हो गए 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू में 0.2 यानी कि 0.8 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। फिर लास्ट में हमें बताना है कि व्हेन द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर देन डीवी बाई डी टी कितना आ जाएगा यहाँ से 0.8 पाई इंटू में आर स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ से 16 हो जाएगा 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 0.8 पाई इंटू में 16 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारा क्या आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ये कितना आ गया डीवी बाई डी टी 12.8 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, यही हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको ये इसका बेसिक कंसेप्ट और ये जो हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं वो आपको क्लियर हो, अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।